हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्राइम केवल बाहर होता है, या फिर कभी चोर हमारे घर के अंदर आते हैं और चोरी करते हैं, सिर्फ वही क्राइम है। ऐसा नहीं होता है, क्राइम बहुत तरीकों से होता है हमारे साथ, और क्राइम करने वाला बड़ा सातिर होता है। और वो किसे चुनता है? बाहर भी, घर के अंदर भी, या आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है तो भी। क्राइम करने वाला जब अपने शिकार को चुनता है तो वो देखता है उसकी कमजोरी, वो उसका शिकार कर सकता है या नहीं। आपने कभी देखा है कि हिरण ने शेर का शिकार किया हो? कभी नहीं। हिरण कभी शेर का शिकार कर ही नहीं सकता, केवल शेर ही हिरण का शिकार कर सकता है। तो इसमें क्या चीज है? इसमें है कमजोरी। शेर ताकतवर है और उसने हिरण को कमजोर समझा, इसलिए उसका शिकार कर लिया आसानी से। इसी तरह हर जगह, हर जगह, घर से बाहर, घर के अंदर, मोबाइल में, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जो भी क्राइम होता है, वो क्रिमिनल पहले ये देखता है कि हम कमजोर हैं या नहीं हैं, हम पर वार, अटैक किया जा सकता है या नहीं, हम उसके जाल में फंसेंगे या नहीं। और अगर उसको ये लगता है कि हम कमजोर हैं, हम आसानी से फंस जाएंगे, तो वो अपना हमारे ऊपर जाल फेंकता है और हम आसानी से फंस जाते हैं, जैसा कि उसने सोचा था। क्रिमिनल होते हैं वो हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो कि थोड़ा सा कमजोर दिखते हों, डिप्रेशन में हों, या जल्दी किसी के झांसे में आ जाते हों। वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, और जब वो उन्हें मिल जाते हैं तो उनका अच्छी तरह से यूज करते हैं। और ये चीजें अब हर जगह देखी जाती हैं, और खास तौर पर अब सोशल मीडिया में तो इतना अधिक हो गया है कि कुछ लोग इतने चालाक बैठे होते हैं कि बच्चों का, औरतों का, या कहूँ कि जो सीधे साधे आदमी हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो अपने आप को बचाइए। तो इसके लिए ये जरूरी है हमारी जागरूकता। हर मामले में हमको जागरूक होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन कोई किताबी ज्ञान से हम नहीं बच पाते हैं, किताबी ज्ञान केवल हमें रोजी रोटी दिलाता है, लेकिन अगर हमको बाहरी दुनिया में सही ढंग से जीना है तो हमको हर चीज पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। इवन सबसे ज्यादा हमारी पकड़ होनी चाहिए सामने वाले के दिमाग के ऊपर, कि सामने वाला कहीं हमको अपना शिकार तो नहीं बना रहा। और हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर आप बहुत होशियार हैं, बड़े चालाक हैं, तो ये आपकी खूबी है। चालाक मतलब गलत चालाक नहीं, गलत होशियारी नहीं। कभी भी एक दिन घूम फिर करके आपके पास हर एक चीज आएगी, ये नोटिस रखिएगा, ये याद रखिएगा कि एक दिन हर एक चीज घूम फिर करके आपके पास आएगी। इसलिए आप होशियार रहें, चालाक रहें, एजुकेटेड रहें, अपने लिए, अपने को बचाने के लिए, अपनी समझ से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, ना कि किसी और का शिकार करने के लिए। जो आपके पास होशियारी है, बुद्धिमानी है, उसका इस्तेमाल आप अपने लिए करें। दूसरों को आपसे सुरक्षा मिले, आपसे कुछ सीखने को मिले, आप किसी को बचा पाएं, किसी की मदद कर पाएं, इसके लिए अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करें, अपनी होशियारी का करें, जो भी आपके पास है। लेकिन कभी किसी को शिकार बनाने के लिए, किसी का इस्तेमाल करने के लिए, किसी का फायदा उठाने के लिए ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपको मिलेगा, या आपके बच्चों को मिलेगा, या कहीं ना कहीं आपके सामने, आपके जीवन में ही ये देखने को मिलेगा कि जो आपने किया था वो आपके सामने आ गया। इसलिए इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें, और ये जो क्राइम होता है उससे बचने के लिए हमको अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाना चाहिए, अपने को एजुकेट करना चाहिए बाहरी मामलों में, खास तौर पर कि क्या दुनिया में चल रहा है, कैसे कैसे लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। और डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, तो हमको किसी के झांसे में नहीं आ जाना है। बच करके रहिए, सबसे बच करके रहिए। और सबसे ज्यादा जो हमसे लड़ता है ना, वो हमारा उपयोग नहीं करता, वो ज्यादा अच्छा आदमी होता है, जो ना ही उसके मन में ऐसा कुछ रहता। हाँ, उसके मन में भी हमारे लिए कुछ गलत बातें तो हैं, इसीलिए तो हमसे ऐसा बिहेवियर है उसका। लेकिन जो प्यार करता है ना, वो तो इतनी आसानी से हमारा फायदा उठाता है कि जैसे हमारी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में है, और उसे खोल के आसानी से सब कुछ निकाल लेना है। इसलिए हमेशा सतर्क होकर के रहिए दूसरों से, ताकि आपके साथ क्राइम न घर में हो न घर के बाहर हो।
आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।